नमस्कार दोस्तों, और एक करियर डेवलपमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टीम लीडर क्यों बनना चाहते हैं। देखिए, प्रमोशन सभी को चाहिए, बट ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीम लीडर बनना क्यों चाहते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी राय हो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप किसी भी कंपनी में काम क्यों नहीं करते हो, प्रमोशन की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या आप अपने आप को उस रोल के लिए फिट समझते हो, या फिर क्या आप उस रोल के बारे में सही से समझ रहे हो। अगर नहीं तो उस जॉब रोल का प्रमोशन आपके लिए नहीं है। IJP यानी कि इंटरनल जॉब पोस्टिंग या फिर इंटरनल जॉब प्रमोशन, यह ऐसा शब्द है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करे सभी इम्प्लॉय को पसंद आती है, क्योंकि इससे आपका पोजीशन भी बढ़ता है और आपका सैलरी भी। IJP किसी भी पोस्ट के लिए हो सकती है, वो टीम लीडर, क्वालिटी या फिर ट्रेनर, किसी भी पोस्ट के लिए हो सकती है। हर इंसान में अलग अलग क्वालिटीज़ मौजूद होती है, बट हम लोग अपने आप को, खुद को पढ़ नहीं पाते हैं, और कभी कभी हम गलत पोस्ट का चुनाव भी कर लेते हैं। बट पोस्ट का गलत चुनाव करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने गलत पोजीशन को चूज़ कर लिया है, और हम बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काम सही से कर नहीं पाते हैं। देखो, मैं आपको बोल सकता था कि आप टीम लीडर कैसे बन सकते, बट इसके पहले इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि टीम लीडर बनना क्यों है। टीम लीडर की IJP इंटरव्यू के लिए 8 चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कॉम्प्लेक्स को डील कर सकते हैं। जब आप टीम लीडर की पोस्ट में होते हैं तो आपके सामने ऐसे कई बार बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस आते हैं जिसमें आप उलझ जाएंगे। अगर आप में बिजनेस की नॉलेज नहीं है या फिर आप बिजनेस को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप में वो कॉम्प्लेक्स घुस जाएगी और आप उस उलझन में फंस जाएंगे और आप अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। नंबर 2 पे आता है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अगर आप एक टीम लीडर हैं तो एक सिंपल सी बात है कि आपके पास एक टीम है, और अगर एक टीम है तो उसमें बहुत सारे टाइम आपको सिस्टम रिलेटेड इशू या फिर एप्लीकेशन रिलेटेड इशू आपको दिखेंगे, तो आप में टेक्नोलॉजिकल चीज़ों की समझ होनी चाहिए जिससे आप उनको सॉल्व कर पाएं। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके साथ आपका टीम का कनेक्शन सही ढंग से नहीं हो पाएगा और आप टीम को सही ढंग से लीड भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहर से IT होते हैं या फिर जो इंटरनल IT टीम होती है वो होती है, बट आपको थोड़ी बहुत समझ जरूर आनी चाहिए। नंबर 3 पे आता है, पीपल रिलेटेड इशू को आप डील कर सकते हैं कि नहीं। एक टीम लीडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल है कि आप अपने टीम में किसी भी तरह की समस्या को आप हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, उसी चीज़ को संभाल सकते हैं कि नहीं। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी लोअर लेवल में हैं, तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी आपने अपने पर्सनल या प्रोफेशनल समस्या को लेके अपने टीम लीडर के पास हाईलाइट जरूर किया होगा। अगर आपको वो सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाती तो बहुत ही अच्छी फील आप करते होंगे। आपके नज़रों में आप वो टीम के लिए जरूर काम करेंगे, वो टीम लीडर के लिए जरूर काम करेंगे, बट अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलती है तो फिर आप उनको रिस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देख पाएंगे और आप उनके लिए सही ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप टीम लीडर बनने की सोच रहे हैं तो पीपल रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, या फिर उसमें दिलचस्पी तो जरूर होनी चाहिए। नंबर 4 पे आता है, किसी भी तरह के लोगों के साथ काम करने में आपको मजा आता हो। आप अगर किसी टीम में हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे तरीके के इंसान आपको दिखेंगे, अलग अलग थॉट वाले, तो आपका कनेक्शन अगर किसी के साथ नहीं हो पाता है तो फिर आपका उनके साथ काम करने का मोटिव भी खत्म हो जाएगा। आप जब एक टीम लीडर बनेंगे तो आपके टीम में भी ऐसे लोग आएंगे, तो आपको ये चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि आप किसी भी तरह के लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं और अपना काम निकलवा सकते हैं। नंबर 5 पे आता है, जब आपको कोचिंग करने में मज़ा आता हो और लोगों को सिखा कर कुछ काम निकलवाने में आपको मज़ा आता हो। टीम लीडर की यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने टीम को सही कोचिंग दे, क्योंकि आपको अपने टीम में सब स्मार्ट लोग नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप उनको सही कोचिंग अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आप उसे काम नहीं निकाल पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि आप अपने टीम को सही से ट्रेनिंग दें और उनसे अपना काम निकलवाएं और उनका परफॉर्मेंस भी आप अप करें। नंबर 6 पर आता है, जब आपको सॉल्यूशन ढूंढने में मज़ा आता हो। आप अभी एक लोअर लेवल में हो, यानी कि आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर अपने टीम लीडर के पास जाते हो और आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि आपके टीम लीडर आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। जब आप टीम लीडर बनेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन माइंडसेट क्लियर आपका होना चाहिए कि आप अपने टीम के लिए एक सॉल्यूशन जैसा बिहेवियर रखें और आपके पास जो भी कोई प्रॉब्लम आता है लेके उनको बेसिक सॉल्यूशन तो जरूर प्रोवाइड करें, और ये सॉल्यूशन ढूंढना आपकी पसंद में होनी चाहिए, नहीं तो आप उनको डील सही से नहीं कर पाएंगे। नंबर 7 पे आता है, जब आप डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार हो। आपके लाइफ में भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आई होगी जिसको आप कभी ना कभी अवॉइड किए हो या तो उनको सॉल्यूशन ढूंढे होगे। अगर आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने में बिलीव रखते हो तो फिर आपके लिए टीम लीडर की पोस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिलीव रखते हो तो फिर आप इस पोजीशन के लिए सही चुनाव कर सकते हो।
नंबर 8 पे आता है मैनेजमेंट की हार्ड फीडबैक को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। यह एक बड़ा चैलेंजिंग रोल है क्योंकि मैनेजमेंट की हार्ड फीडबैक अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके अंदर में थोड़ी सी भी अगर ईगो होती है तो आप उसे डील नहीं कर पाएंगे और आप स्ट्रेस फील करेंगे और आप कुछ अच्छा इनोवेटिव सोच नहीं पाएंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आपको हार्ड फीडबैक लेने के साथ साथ ही आपको सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे ताकि आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करें और आप फिर से वो हार्ड फीडबैक के लिए तैयार आपको ना होना पड़े। इसके लिए आपको सॉल्यूशन माइंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका ईगो को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है और अगर आप टीम लीडर बनने का सोच रहे हैं तो इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। मैंने शायद कहीं पढ़ा था, ए गुड मैनेजर फोकसेस ऑन गेटिंग थिंग्स डन, ए गुड लीडर फोकसेस ऑन व्हाट राइट थिंग्स टू डू, बट एन इफेक्टिव लीडर ऑलवेज फोकसेस ऑन गेटिंग राइट थिंग्स डन विद द राइट पीपल। सो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट है या कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उनको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। बाकी आप अपने स्किल को अपग्रेड करिए और कुछ नया सीखिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।